शहर में ऐसा ही लीगल क्लिनिक चल रहा है। युवा वकील और सिविल जज की परीक्षा की तैयारी कर रहे 40 से ज्यादा लोग इसे चलाते हैं। 2 महीने पहले शुरू हुए इस लीगल क्लिनिक से अब तक 100 से ज्यादा लोगों को मदद मिल चुकी है। यह लीगल क्लिनिक चल रहा है शहर के मध्य स्थित राधानगर कॉलोनी में। हर शनिवार शाम 6 बजे से यहाँ जरूरतमंद लोगों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन लोगों को मुफ्त कानूनी परामर्श दी जाती है। क्लिनिक में सीनियर वकील भी हैं जो युवा वकीलों के कामकाज का आकलन करते हैं। क्लिनिक में सेवा दे रहे वकील राहुल सुखानी भार्गव ने बताया कि क्लिनिक के सदस्य कोर्ट में रोज के कामकाज के साथ ही जरूरतमंद लोगों को संस्था की जानकारी भी देते हैं। ऐसे लोग जो पैसों के अभाव में कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा पाते, उन्हें क्लिनिक का पता देकर शनिवार को संपर्क करने को कहा जाता है। हमारी एक संस्था है न्यायाश्रय, और इसका गठन 2015 में हुआ था। और जब इसका गठन हुआ था तो हमने इसका जो मुख्य उद्देश्य रखा था इस संस्था का, वो था कि जो डिफेक्टिव लॉज हैं, जो दोषपूर्ण कानून है, उन कानूनों में सुधार करने के लिए आवश्यक संशोधन की मांग करना। और हमने अनेक इस प्रकार के संशोधन की मांग केंद्र सरकार और राज्य सरकार से की थी, जिसपे बहुत सारे मामलों में संज्ञान भी लिया गया है। पर हम लोगों ने फील्ड पे जब काम किया तो ये देखा कि बहुत जो गरीब लोग हैं या निर्धन लोग हैं, वो लोग न्याय से वंचित हो जा रहे हैं, जबकि हमारे संविधान में ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा कि जो लोग गरीब हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता और कानूनी परामर्श मिलना चाहिए। हालांकि सरकार एक विधिक सहायता का प्लेटफॉर्म यहाँ देती है, लेकिन कई लोगों को इस बात की भी जानकारी नहीं होती है। तो हम सभी ने यहाँ पर संस्था न्यायाश्रय के सभी सदस्यों ने मिलकर एक लीगल क्लिनिक का ओपनिंग किया है, और ये लीगल क्लिनिक जो है प्रत्येक शनिवार को कार्य कर रहा है, जिसमें लीगल क्लिनिक से जुड़े हुए जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं और एडवोकेट्स हैं, वे सभी लोग अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं।